बस करो अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से मुबारक यू आर वॉचिंग माई चैनल एस के व्लॉग्स वेलकम टू अनदर व्लॉग ये है जी दूध और ये है जी रस अस्सलाम वालेकुम जी तकरीबन 12:30 बजे उठा हूँ तो अभी पौना एक होने वाला है तो नाश्ता करने लगा हूँ अभी मैं जिम्मा पढ़ के आया हूँ तो अभी प्लान बन रहा है हमारा स्विमिंग पूल नहाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है जिस वजह से आज मेरा और हमजा का और एक दोस्त हो रहा है उनके साथ मिलके हमने प्लान बनाया है स्विमिंग पूल का। अभी आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे पसीना वगैरह मेरे बाल उड़े हुए हैं सिर्फ गर्मी की वजह से। को लेंगे और हसन को लेंगे फिर हम जाएंगे यहाँ से स्विमिंग पूल तो हमारे साथ साथ है कि इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा और मज़ेदार होने वाला है। तकरीबन 4 दिन हो गए हैं नेट ना होने की वजह से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो चुकी फिर भी नेट ऑफ है तो देखते हैं कब ये वीडियो अपलोड होगी आप तक कब तक पहुँचेगी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अली ठीक हो खरीय तो वाइद किथे हैं वो गाला काट किथे हैं गली जे मैं गली से बाहर हूं हम में से किसी को भी नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं हमें इसकी लोकेशन का अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह तो कल घर से गाड़ी निकाली है और अली भाई कह रहे हैं आगे है मैं कह रहा हूं पीछे है और देखें अभी कहां पहुंचे हैं। कोठा गुजरा आ गया जी कोठा गुजरा आ गया लेकिन संतपुरा आगे मेरे लिए थे ऑर्डर करिए मेरे सर आप ना मोरी शरीफ नहीं चढ़ जाएंगे ऐसे हैं चलो उठा ही सही मोड़ी था मैंने पहला मोड़ चलो यहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल है जी आई एम सो एक्साइटेड बस बंदा पर्ची लेने गया है देखिए कोई भी नहीं मेरे पास इस वक्त याद हो यार बाग च आए अब्बा जी दे शुरू चलो जाओ कच्ची दीपा हो जाकर कंप्यूटर सिस्टम रखे जो इधर तू एंट्री मारने लगे इसने चलो 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 एक पर्ची तो सही पर्ची ये वाला एरिया छोटे बच्चों का है और ये वाला सारा एरिया बड़े बच्चों का बड़े बच्चों का नहीं बड़ों का है वैसे कोई शय नहीं आंदी खाने वाली है तैयारियां निकली होंगी मैं तू किथे तैयार होके जाना है का काम बहुत फिट जगह है जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमें मजा आ रहा है तो आए आप भी नहा ले चल हां चलो 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 सब बस जान से है ना मुंह पर डिग पहुंचे आराम से ना चलो इतना तो काम था क्यों एसके व्लॉग पानी ठंडा है या नहीं ओके डर गई
चलो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। मैं हमजा शमरेज वाहिद और ये देखे देखे ओए रात ध्यान चलो जी 1 2 चलो 1 2 3 चलो जाओ। पर अली हसन और शमरेज और वाहिद की रेस लगने लगी है कि कौन पहले इस पुल को पार कर। शमरेज वाहिद है इस गेम से, अली हसन और वाहिद जान लगाते हुए और वाहिद वाहिद तकरीबन वाहिद साहब से पहले पहुंचेगा। भी था गेम में और ये भी था नमूना और ये नमूना भी था। जो फाइनली जो जीता है वो है ये वाला लड़का। शाबाश शाबाश। नहीं बाकी ये छोटे पैकेट बड़ा धमाका ये वाला। बहुत औखा हो गया था मेरे लिए। क्या हो गया था? बहुत औखा हो गया था मेरे लिए। हमजा 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 मजा आ रहा है आपको? ये देखो हमजा आपको मजा दिखाने लगा। ये हो गया फाइनली। आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो मुझे फोन भी पकड़ने को नहीं आता तो ये मैंने देखा। भाई शादी मजा आ रहा है आपको? बड़ा मजा आ रहा है। आए आप भी नहा ले आज। बस करो मेरी जीरी डॉग फड़ा दे। हम फूड कोर्ट पे जा रहे हैं मैं और हसन के लिए। अभी भूख लगी है तैराकी कर करके हमें। क्या बटर लगता है ना? डालर ही लगता है। यहाँ पर सिवाय बोतल जूस के पानी बोतल जूस सम लेज पापड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अभी यहाँ से निकलने का फैसला कर चुके हैं। तकरीबन 4 होने वाले हैं। तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे क्योंकि भूख भी लगती है। खाते हुए ज्यादा लगती है। खाने चलें? चलो जी चलो आ जाओ। हम साहब नहीं मजा नहीं आ रहा। चलो हम आ जाओ। अहमद
भाई किधर जा रहे हैं जी? हम लाला मोसा जा रहे हैं, हमें कोई और काम नहीं है, सिर्फ हमने नानी याद अदा करनी है। वहाँ पे इनकी स्पेशल मशहूर लाला मोसा की नान टिक्की खाने जा रहे हैं। किसकी नान टिक्की है? गोसिया वालों की नान टिक्की है जी। गामा भी देखेंगे, अगर हुई वो खा लेंगे, जमी तो गोसिया वालों की खाएंगे। बहुत ही मशहूर नान टिक्किया उनकी। गनी पेट्रोल पंप की बहुत अच्छी सर्विसेज है, जो भी आए उनको ये पानी अच्छे तरीके से पूछते हैं और देर पूछते नहीं है भी। हम तकरीबन सब ने ये देखें पीछे भी पी रहा पानी, हमजा ने पिया, मैंने पिया, बहुत अच्छी सर्विस है। अल्लाह आपको जदा दे। हम लाला मोसा आ चुके हैं जी, गोसिया नान टिक्की पे मैं आ चुका हूँ जी, बाकी सब उतर चुके हैं गाड़ी में, अभी मैं जा रहा हूँ जी। बह क्यों कहा हमारी तो असर का टाइम हो गया, पाँच सौ पाँच हो गए तो ये फॉर्च्यूनर लेंगे इंशाल्लाह। उन तीनों को उनके घर उतार दिया अभी। मतलब क्या हुआ? थक गए हो? हाँ जी। अभी मैं तकरीबन छः होने वाले हैं, तो मैं और हमजा और मेरा एक भाई और भी है हनान, तो इसके साथ हम जा रहे हैं ग्रैंड सिटी वाले घर में। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, दोबारा फ्रेश हो चुका हूँ। सबसे पहले गाड़ी ये वाली आई, फिर ये वाली आई, अभी ये तकरीबन तीन चार दिन हो चुके हैं ये वाली आई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग खत्म हुआ, के व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।